नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह ने किया मोबाइल कोविड जांच वैन का उद्घाटन, कोरोना को भगाने में होगी कारगर। साथ ही दोस्तों जानेंगे 1 दिसंबर से RTGS सहित बदल जाएंगे ये 4 नियम, जाने आपको कितना होगा फायदा और क्या होगा नुकसान। इसी के साथ दोस्तों जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगेगा इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण, जाने क्या रहेगा समय और कैसा रहेगा सूतक। साथ ही दोस्तों शादी समारोह में अब सीमित होगी मेहमानों की संख्या, इन राज्यों में जारी की गई है नई गाइडलाइंस, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों इन राज्यों में स्कूल खोलने को लेकर आया बड़ा अपडेट, जाने आपके राज्य में खुलेगा स्कूल या नहीं, इस बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों कचरे से गैस बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का होगा खर्च, किसानों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा, तो कैसे फायदा मिलेगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि यदि आप भी अपने जनरल नॉलेज के स्तर को सुधारना चाहते हैं, साथ ही पेटीएम केस पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपको ऐसा प्रश्न दिया जाएगा जिसका सही उत्तर देने पर हमारी ओर से 6 भाग्यशाली विजेताओं को 50-50 रुपए पेटीएम केस मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही आप भी जीत सकते हैं सही उत्तर देकर 50 रुपए का इनाम। आज का वीडियो देखकर जो भी सही उत्तर देंगे उन भाग्यशाली विजेताओं का अनाउंस हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वही प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना पेटीएम नंबर, नाम और प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। वही हमारी ओर से जो भी कल के भाग्यशाली विजेता हैं उनका नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी सही उत्तर देकर जीतिए 50 रुपए के इनाम। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके सभी बड़ी खबरों को बिना देरी के विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने किया मोबाइल कोविड जांच वैन का उद्घाटन। जैन दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोबाइल कोविड 19 RT-PCR लैब का उद्घाटन किया। इसे संयुक्त रूप से स्पाइस हेल्थ और ICMR द्वारा तैयार किया गया है। वैन के अंदर कोविड की जांच की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है, जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को उनके ही इलाकों में फ्री में जांच की सुविधा प्रदान करेगी। पहले चरण में 10 मोबाइल वैन शुरू की जा रही है। वहीं उद्घाटन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और ICMR के महासचिव DHR और महानिदेशक बलराम भार्गव, स्पाइस जेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह और स्पाइस हेल्थ के CEO अवनी सिंह भी मौजूद रहेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 1 दिसंबर से RTGS सहित बदल जाएंगे ये 4 नियम, जाने आपको कितना होगा फायदा और क्या होगा नुकसान। जैन दोस्तों अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 दिसंबर 2020 से आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो जाएंगे। इसमें RTGS, रेलवे और गैस सिलेंडर से जुड़े भी नियम शामिल है। गौरतलब है कि नियमों में बदलाव का सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि नियमों में क्या बदलाव होने जा रहा है। RTGS में बदलाव, जानकारी के मुताबिक 1 दिसंबर 2020 से बैंक पैसों के लेन देन से जुड़े इस नियम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। RBI या भारतीय रिजर्व बैंक ने RTGS या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को साल भर 2400 घंटे उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। अगले नियम की बात करें तो 5 साल के बाद बीमा धारक प्रीमियम की रकम को भी 50% तक घटा पाएंगे, जिसका अर्थ है कि आधी किस्त के साथ बीमा धारक पॉलिसी जारी रख पाएंगे। वहीं दोस्तों अगले नियम, अगले अपडेट की बात करें तो 1 दिसंबर 2020 से भारतीय रेलवे कई नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। कोरोना काल में रेलवे द्वारा कई बार नई स्पेशल ट्रेनों को चलाया गया है। इसी कड़ी में 1 दिसंबर से भी कुछ ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इन नई ट्रेनों में झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल दोनों शामिल है। बता दें दोनों ट्रेनों को सामान्य श्रेणी के तहत ही चलाया जाएगा, वहीं इन ट्रेनों को हर दिन चलाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और अगले नियम की बात करें तो हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा की जाती है और दाम घटे या बढ़ाए जाते हैं या स्थिर रहते हैं। वहीं 1 दिसंबर 2020 को भी देश भर में रसोई गैस के दामों में बदलाव किया जाएगा। वहीं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे की गई ऊपर वादे के अनुसार आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है। आप कमेंट करके अपना उत्तर जरूर लिखिएगा, साथ ही अपना पेटीएम नंबर और नाम और पता भी जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगेगा इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण, जाने क्या रहेगा समय और कैसा रहेगा सूतक। जैन दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा इस बार 30 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा का सबसे आखिरी दिन होता है।
कार्तिक पूर्णिमा स्नान और दान की लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा दो तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक पूर्णिमा एक तरफ जहां चंद्र ग्रहण लग रहा है वहीं दो शुभ संयोग इस पूर्णिमा को और भी पावन बना रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग व वर्धमान योग इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के पूरे महीने चलने वाले स्नान भी इस दिन समाप्त होंगे। इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 29 नवंबर को दोपहर 12:47 से प्रारंभ होकर 30 नवंबर को दोपहर 2:59 तक रहेगी। वहीं ग्रहण 30 नवंबर दोपहर 1:04 से शुरू होगा और 30 नवंबर शाम 5:22 तक जारी रहेगा। हालांकि ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा क्योंकि ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। शादी समारोह में अब सीमित होगी मेहमानों की संख्या, इन राज्यों में जारी की गई गाइडलाइंस। जनदोषु संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में शादी समारोह को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है। यहां हम जानेंगे कि दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार ने क्या नए नियम शादी समारोह के लिए तय किए हैं। नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां शादियों में लोगों की संख्या 200 से घटाकर 500 कर दी गई है। दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश। यूपी में सरकार ने एक बार फिर से सामूहिक आयोजनों पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। शादी समारोह में अधिक 200 लोगों की मौजूदगी की संख्या को घटाकर 100 करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं सार्वजनिक जगहों पर लोगों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो आयोजकों से फेस मास्क, सैनिटाइजर्स और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर करने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। हालांकि डीजे और शादी से जुड़े म्यूजिक बैंड्स को लेकर कोई पाबंदी नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में इस तरह के आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। मध्य प्रदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश में प्रशासन ने शादियों में मेहमानों की तादाद 250 लोगों तक सीमित कर दी है। वहीं बारात में बैंड बाजे और रोशनी वालों के अलावा अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि जन्मदिन और शादी की सालगिरह के समारोह में ज्यादा से ज्यादा 20 को बुलाया जा सकेगा। शादियों के साथ साथ अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी रात 10 बजे तक समाप्त करना होगा। इसके अलावा राजस्थान में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू हो गया है। ऐसे में गहलोत सरकार ने शादी समारोह को लेकर नया फरमान जारी किया है। अब बिना सूचना किए विवाह करने पर आयोजनकर्ता पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर सरकार ने जुर्माना राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। सरकार अभी विवाह समारोह की वीडियोग्राफी भी करवाएगी। इस संबंध में राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 5 में रविवार को ऐप प्रदान जारी कर दी गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। डीए को लेकर मोदी सरकार का फैसला, जाने कब से बढ़ेगा वेतन, इतने कर्मचारियों को होगा फायदा। जनदोषु लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को झटका देते हुए उनकी सैलरी में कटौती की है। सरकार ने महंगाई भत्ते में हुए बढ़ोतरी पर भी रोक लगा दिया। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा फैसला करते हुए जल्द ही सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा देने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार की ओर से जानकारी मिली है कि जून 2021 के बाद सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर फैसला लिया जा सकता है। सरकार जून 2021 में डीए में बढ़ोतरी को लेकर फैसला ले सकती है। सरकार का ये फैसला लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि उन्हें महंगाई बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण सरकार ने आर्थिक दबाव को कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। सरकार के फैसले के बाद से कर्मचारियों को 17% की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा है, जबकि डीए में हुई 4% की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इन राज्यों में स्कूल खोलने को लेकर आया बड़ा अपडेट, जाने आपके राज्य में खुलेगा या नहीं। जैन दोस्तों, देश में लोग 5 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके से स्कूल खुलने जा रहे हैं। हालांकि कुछ राज्यों में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए पहले ही स्कूल खोले जा चुके हैं, फिर भी अभी कई राज्यों में स्कूलों को खोलने के बारे में फैसला लेना बाकी है। कोरोना संक्रमण के मामलों को बढ़ता देख महाराष्ट्र सरकार ने कुछ चुनिंदा इलाकों में आज से स्कूल खोलने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र के नासिक, पुणे और मुंबई शहरों के भी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं पुणे ग्रामीण और औरंगाबाद ग्रामीण इलाकों में आज ही स्कूल खोल दिए हैं। इसके साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भी आज कहा कि विशेषज्ञों की सलाह पर हर 10वीं तक के स्कूल दिसंबर अंत तक बंद रहेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
कचरे से गैस बनाने के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए होगा खर्च, किसानों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा। जन दोस्तों, अब देश में किफायती और स्वच्छ ईंधन मुहैया कराने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक खास पहल पर काम कर रही है। इस पहल के तहत 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर देश भर में 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाने की तैयारी है। इन प्लांट्स में साल 2023 से 24 तक फसलों के कचरे की मदद से ईंधन तैयार किया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बारे में जानकारी दी है। वहीं देश में किफायती एवं स्वच्छ परिवहन ईंधन के लिए अडानी गैस और टोरेंट गैस के साथ करार हुआ है। ये कंपनियां 900 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाएगी। केंद्र सरकार की सतत वैकल्पिक किफायती परिवहन पहल के तहत 2023-24 तक देश भर में 5,000 CBG प्लांट्स लगाए जाएंगे। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है कि इसके जरिए कुल उत्पादन का लक्ष्य 15 मिलियन टन रखा गया है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।